दोस्तों, दिल में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं होता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रूमा देवी ने, जिन्होंने ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपना लोहा मनवाया है। रूमा देवी देश के सर्वोच्च सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित होने के अलावा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी स्टेज शेयर कर चुकी हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रूमा जी की बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं रूमा देवी के बारे में ऐसी बहुत सी बातें बताने वाला हूं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर आप भी हैं रूमा जी के फैन तो कर दीजिए वीडियो को एक लाइक। सबसे पहले अगर बात करें इनके रियल नेम की तो वो हैं रूमा देवी और इनका निकनेम है रूमा जी। इनका जन्म 1989 को बाड़मेर राजस्थान के रावतसर गाँव में हुआ है और 2021 के हिसाब से इनकी एज है 32 ईयर्स। वहीं अगर बात करें इनकी एजुकेशन के बारे में तो इन्होंने अपनी पढ़ाई गांव के ही एक स्कूल से 8वीं तक की है और रूमा देवी प्रोफेशन से एक फैशन डिजाइनर हैं। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रूमा देवी के करियर और शुरुआती जीवन के बारे में। तो इनका बचपन काफी संघर्ष भरा रहा है। जब वह मात्र 5 साल की थी तब इनकी मदर की डेथ हो गई थी और 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद इनको घरेलू कामों में लगा दिया था। उनके पिता ने भी दूसरी शादी कर ली थी और इन्हें अपने चाचा के पास छोड़ दिया। वो बैलगाड़ी पे 10 किलोमीटर दूर से पानी लाने के अलावा सारा घरेलू काम करती थी और साथ ही अपनी दादी से कसीदाकारी का काम सीखती थी। इनकी शादी 17 साल की उम्र में कर दी गई थी और इनके ससुराल की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और पैसे के अभाव में ये अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पाई और उसकी मौत कम आयु में ही हो गई थी। यहाँ से रूमा देवी के जीवन में एक नया मोड़ आया और इसके बाद उन्होंने कुछ करने की ठानी। बचपन में दादी से सीखी कसीदाकारी के काम को दीप देवल स्वयं सहायता समूह बना के शुरुआत की ताकि परिवार में कुछ आमदनी हो सके। काम के शुरुआत में इन्होंने 10 महिलाओं का एक समूह बनाया और प्रत्येक महिला से 100-100 रुपये इकट्ठा करके एक सिलाई मशीन खरीदी और स्थानीय व्यापारियों के लिए हैंडीक्राफ्ट बैग्स, कुशन कवर सहित बहुत से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए थे। बाद में इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह के गाइडेंस में ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान से जुड़ गई, जो कि संस्थान पहले से ही महिलाओं के हितों के लिए कार्य कर रहा था और इस संस्थान के मार्फत इन्होंने अपने शानदार प्रोडक्ट बड़े बड़े शहरों में भिजवाना शुरू कर दिया, जहां इनको कीमत के साथ साथ अच्छी सफलता भी मिली और इसके साथ ही इन्होंने पड़ोसी शहरों की 22,000 महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया, जिन्हें भी अच्छी आर्थिक मदद मिली। आज के समय इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स जर्मनी, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में भी फैशन शो में बड़े डिजाइनर्स द्वारा प्रदर्शित किए जा चुके हैं। वहीं रूमा देवी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी कौन बनेगा करोड़पति के स्पेशल एडिशन करमवीर में हिस्सा ले चुकी हैं और इसके अलावा 2018 में देश के सर्वोच्च सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार से भी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। इसके साथ ही पिछले दिनों वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुई और जहां इन्होंने स्टूडेंट्स को कसीदे की कला की बारीकियां शेयर की। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे रूमा देवी की फैमिली और उनके हस्बैंड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी घर बैठे कुछ करके कमाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया हुआ है, जिसकी मदद से आप बिना कोई पैसा लगाए आराम से लाखों प्रोडक्ट्स व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में शेयर करके सेल कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स कैश ऑन डिलीवरी में उपलब्ध हैं, जिसमें मेरा रेफर कोड डालने से आपको अलग से बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो क्यों ना आप भी लगाइए मौके पे चौका और अर्न कीजिए कुछ पैसा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रूमा जी की फैमिली के बारे में। तो ये रिलीजन से हिंदू और जाति से जाट हैं। ये 7 बहनें हैं, जिसमें से ये सबसे बड़ी हैं। इसके अलावा इनकी दादी हैं, जिनसे इन्होंने कसीदाकारी सीखी थी। वहीं साल 2005 में इनकी शादी जगदेश सिंह के साथ हुई थी और इनका एक पुत्र भी है जिसका नाम लक्षित है। अगर बात करें इनकी हॉबीज की तो इन्हें कुकिंग के अलावा राजस्थानी देसी सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं और ये खुद स्थानीय कलाकारों को खूब सपोर्ट एंड प्रमोट करती हैं। इसके अलावा ये सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। वहीं अगर बात करें इनकी इनकम की तो एकदम एक्यूरेट बताना तो मुश्किल है, फिर भी ये महीने का 1-2 लाख रुपये कमा लेती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनके हाउस के बारे में। तो ये अभी भी अपने गाँव में स्थित आवास में रहती हैं, जैसे कि इन फोटोज के माध्यम से आप देख सकते हैं।
सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक साधारण महिला की असाधारण कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको रुम्मा जी की ये बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लाता रहूँगा आपके लिए इस टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तब तक के लिए धन्यवाद।